पाताल लोक का हथौड़ा त्यागी बना ये शख्स, घुसा बैंक में, मचाया कोहराम। हथौड़ा लेकर बैंक में घुसा एक सनकी युवक। बैंक में घुसकर उसने ताबड़तोड़ हथौड़े से प्रहार किया, बैंक के कई काउंटर्स को क्षतिग्रस्त कर दिया। बैंक की सूचना पर पुलिस ने मौके से शख्स मोहम्मद सदाम को गिरफ्तार कर लिया। रोशना ओपी क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया महादेवपुर ब्रांच की घटना पर यह खलबली मच गई। मामले में गिरफ्तार शख्स और बैंक कर्मियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच भी की जा रही है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कटिहार क्षेत्र में एक सनकी युवक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में घुस गया, जिसकी पहचान रोशना ओपी क्षेत्र के लाभागांव मोहम्मद सदाम के रूप में हुई है। प्राणपुर प्रखंड सेंट्रल बैंक महादेवपुर शाखा की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बैंक कर्मी द्वारा बताया गया है कि गिरफ्तार युवक के द्वारा बैंक में घुसकर हथौड़े से तोड़फोड़ की गई, निकासी काउंटर पर जाकर रुपए की मांग की गई, ब्रांच मैनेजर कैशियर सहित अन्य कर्मियों के ऊपर हथौड़े से प्रहार करने की कोशिश भी युवक द्वारा की गई है। हथौड़े के प्रहार से कई काउंटर के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। बैंक में हुए इस अटैक पर कुछ देर में ही भगदड़ मच गई। बैंक कर्मियों ने इसकी सूचना तुरंत रोशना ओपी पुलिस को दी है। रोशना ओपी की टीम मौके पर पहुंचकर शख्स को गिरफ्तार कर पूछताछ करने में जुटी थी। आज सुबह करीब करीब 10:50 में एक मिस्क्रियंट अचानक से हाथ में हथौड़ा लेकर के ब्रांच में घुसा। पहले गेट पे एक हथौड़ा लगा के गेट का ग्लास को तोड़ने के बाद में दौड़ करके मुख्य खजांचे के पास गया और वो पैसे की डिमांड करने लगा, और डिमांड के साथ ही वो जो काउंटर पे लगा हुआ ग्लास है उसको वो जोर से हथौड़ा से उसको डैमेज कर दिया। उसके बाद में फिर ब्रांच मैनेजर की तरफ को दौड़ा और इसके बगल में जो लगा हुआ काउंटर है वो सारे शीशे को जो है तोड़ करके चकनाचूर कर दिया। मौके पे ही पुलिस गश्त द्वारा उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। परिचय, मैं विवेक कुमार झा, शाखा प्रबंधक महादेवपुर।